नमस्कार, स्वागत है आप सभी का भी वेल्दी हेल्प लाइव सेशन में। आज का सेशन रिकॉर्डेड है। आपके सामने हैं आपके ऑल टाइम फेवरेट एक्सपर्ट कीर्तन शाह, जो आपके सवालों के जवाब देंगे। सवाल हमने अलग अलग प्लेटफॉर्म से निकाल के रखे हैं, वैसे सवाल जिसके जवाब से एक जो बड़ा तबका है निवेशक का, उनको फायदा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया कीर्तन वक्त निकालने के लिए। और बाकी सब ठीक ठाक है, एकदम बढ़िया जिंदगी में सब कुछ? मैम, थैंक यू वापस इनवाइट करने के लिए। डेफिनेटली सब कुछ ठीक है, कुछ भी कंप्लेन करने जैसा नहीं है। बहुत बढ़िया, चलिए क्विकली शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। पहला क्वेश्चन है, सिद्धांत वशिष्ठ जी का, व्हाट इज द टाइम टू एग्जिट म्यूचुअल फंड अपार्ट फ्रॉम गोल और टाइम ड्यूरेशन? फॉर एग्जांपल, बुकिंग मोर प्रॉफिट, लाइक वी कैन यूज पी रेशियो एक्सेट्रा। पी रेशियो जो स्टॉक में निवेश करते हैं उनके लिए तो होली ग्रेल जैसा है, राइट कीर्तन? लेकिन म्यूचुअल फंड में इसकी इंपॉर्टेंस क्या उतनी ही है जितनी डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टिंग में है? आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि एज अ रिटेल इन्वेस्टर मार्केट को टाइम करने की कोशिश बहुत मुश्किल है, थोड़ी नहीं बहुत मुश्किल है। क्योंकि आज भी अगर आप देखें, मैं तो 18,000 निफ्टी लेवल से सुन रहा हूँ, लोग एक्सपेंसिव है एक्सपेंसिव है, 10 ईयर एवरेज के आजू बाजू है, पी करके साइड लाइन पे खड़े हुए हैं। एंड आज शायद जिस दिन हम रिकॉर्ड कर रहे हैं 22,500 है निफ्टी, राइट? तो टाइम कर पाना बहुत मुश्किल है। उसका एक बहुत बड़ा रीजन ये भी है कि आप जब हिस्टोरिकल एवरेजेस देखते हैं, तब हिस्टोरिकल एवरेजेस को ओवरपावर करने के लिए बहुत सारी चीजें नियर टर्म में हुई होती है, जो आप जिसको आप वैल्यू नहीं कर पाते। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप मान लीजिए 10 साल का निफ्टी का एवरेज पी 20 है, राइट, और आज आज का पी 23 है, तो आपको महंगा लगेगा थियोरेटिकली। पर आप देखिए पिछले 2 सालों में रिटेल की लिक्विडिटी कितनी बढ़ गई है मार्केट में, ग्लोबल पैसा कितना आ रहा है चाइना रशिया ब्राजील के प्रॉब्लम्स की वजह से। अब आप उसको कैसे फैक्टर करेंगे? आप सिर्फ क्वांट देखकर 20 पी 23 पी डिसीशन नहीं ले सकते। तो एक सरल तरीका मेरे हिसाब से ये होगा कि आप स्टैंडर्ड डिविएशंस मॉनिटर कीजिए। अब ये रिटेल इन्वेस्टर के लिए कितना इजी या मुश्किल है वो मुझे नहीं पता, पर कुछ वेबसाइट्स है जो मैं आपको भेज सकता हूँ जो जी फ्री बताइए में ये डेटा दिखाती है। जी। वो आप अगर कमेंट्स में लिख दे तो इनको कंफर्टेबल होगा। श्योर, जब भी 2 स्टैंडर्ड डिविएशन पर आपका निफ्टी लेवल्स पहुंच जाता है, तब डेफिनेटली आपको थोड़ा सा डर कर उस मार्केट से बाहर निकल जाना चाहिए। क्योंकि ओके, अगर अगर आप पिछले 40 साल का भी डेटा देखेंगे, जितनी भी बार 2 स्टैंडर्ड डिविएशन पर निफ्टी लेवल्स गए हैं, वहां से डेफिनेटली करेक्शन देखने में आई है। तो वो एक एक डेटा पॉइंट हो सकता है जो देखकर आप शायद ये डिसाइड करें कि मार्केट काफी ओवर वैल्यूड है और मुझे निकल जाना चाहिए। पर 10 में से 9 लोगों को ये कोशिश नहीं करनी चाहिए, वो गलत ही जाएंगे। तो जो लॉन्ग टर्म निवेशक है उनको भी ये हम सलाह देंगे क्या कि आप चेक करें और अकॉर्डिंगली प्रॉफिट बुक करें, या फिर उनको छोड़ दें? मैम मुश्किल है, जैसे मैं आपको आज एक सिंपल मेरा नजरिया बताता हूँ, तो मुझे जी ऐसा लग रहा है कि इरिस्पेक्टिव ऑफ जो भी डिस्कशंस मार्केट में चल रही है आज, बजट तक मार्केट्स को पकड़ के रखेंगे, ठीक है? और बजट के बाद मुझे ऐसा लग रहा है, और ये सिर्फ व्यू है, ये व्यू कल भी चेंज हो सकता है, तो आप प्लीज इस व्यू पे कुछ इन्वेस्टमेंट ना करें। पर लेट्स से बजट के बाद स्मॉल कैप और मिड कैप में काफी ध्यान रखने लायक है। तो अब मैं मेरे पोर्टफोलियो में तो शायद मिड कैप स्मॉल कैप बेचकर लार्ज कैप में चला जाऊंगा हाइपोथेटिकली। पर अब प्रॉब्लम इसमें यह है कि आप कब डिसाइड करोगे कि अब लार्ज कैप से निकलकर मिड कैप स्मॉल कैप में, वापस से ये मिड एंड स्मॉल में आ रहे। बहुत मुश्किल है अगर आप प्रोफेशनल नहीं हो इस इंडस्ट्री में। तो आपको कंटिन्यू कर रहे रहना चाहिए, क्योंकि आज नहीं तो 3 साल बाद वापस ये सेम चीज अपने लेवल पे आ जाएगी। पर अगर आपको नहीं आता कि कब वापस आना चाहिए, तो आप साइड लाइन पे खड़े रहोगे, जो इन्वेस्टेड है उसने डिप देखा पर आज आपसे अच्छा कर रहा है।
लेकिन ये भी है ना, फिर आप इसलिए कहते हैं कि शायद आप पोर्टफोलियो रीबैलेंस करना इज लॉट मोर इजियर फॉर देम, अगर वो एक एसेट एलोकेशन फॉलो कर रहे हैं तो, देन टाइमिंग द मार्केट दिस वे, क्योंकि आपके लिए बहुत आसान होगा, एक रिटेल निवेशक के लिए बहुत ही मुश्किल काम। 100%, 100%। दर्श पूछ रहे हैं कि लार्ज कैप, फ्लेक्सी कैप और लार्ज एंड मिड कैप, इन तीनों सेगमेंट के लिए एक अच्छा XIRR क्या होगा? XIRR, जिनको नहीं पता है, इसका फुल फॉर्म है एक्सटेंडेड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, और ये वैसे निवेश के रिटर्न कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल होता है जहां पर मल्टीपल ट्रांजैक्शंस होते हैं या फिर इररेगुलर कैश फ्लो इन्वॉल्व होता है। ऐसा कोई बेंचमार्क बना के रखा है क्या हमने कि किस कैटेगरी का XIRR इतना बेहतर होगा यार? आई थिंक ऐसा कोई बेंचमार्क नहीं है, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप ये तीनों प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट कर रहे हो, जिसका लार्ज फोकस ये है कि 60-70% पैसा लार्ज कैप में होगा, राइट, जी तो उससे आप 12% से ज्यादा की एक्सपेक्टेशन रखेंगे तो थोड़ा सा आपको डिसअपॉइंटमेंट होगा। मुझे ऐसा लग रहा है 12% की एक्सपेक्टेशन काफी फेयर है या और इस कैटेगरी के इन्वेस्टमेंट के लिए 12-13% काफी अच्छा रिटर्न मैं मानूंगा इन तीनों इन कैटेगरीज। तीनों कैटेगरी में अगर निवेश कर रहे हैं तो। अगला सवाल नितेश कुमार जी का, प्रणाम मैम, प्रणाम नितेश जी, इनका सवाल जरा गौर से सुनिएगा कीर्तन, मुझे थोड़ा समझने में तकलीफ हुई है सवाल को, आप आई एम श्योर अच्छे से समझ लेंगे। फंड हाउस सिर्फ हमारे को एनएवी शो करते हैं, बट मेरा क्वेश्चन ये है कि किस दिन किस फंड में कितना ग्रोथ हुआ है और कितना माइनस हुआ, जिसकी बेसिस पर मेरा डेली एनएवी इंक्रीज और डिक्रीज होता है। बेसिकली फंड हाउस को ये शो करना चाहिए कि वो जिस फंड में हमारे पैसे को निवेश, यही दिखाना चाहिए। हम सिर्फ एनएवी डेली देखते हैं बट क्लियर नहीं होता कि मेरा एनएवी क्या सही रेट में शो किया जा रहा है, या फंड हाउस अपनी मर्जी से एनएवी जो लिख दिया है वो लिख दिया। प्लीज क्लैरिफाई। रेगुलेटेड नितेश जी, ऐसा नहीं होता है, ये सब बहुत ही ज्यादा है। रेगुलेटेड इंडस्ट्री है, ऑडिट्स होते हैं सेबी। मैं आपको मेरे छोटे से एक्सपीरियंस के साथ कह सकता हूँ, वर्ल्ड में सेबी जैसा दूसरा रेगुलेटर नहीं है जो इन्वेस्टर इंटरेस्ट में इतना काम करता है। वो बेफिकर रहिए, अगर जो एनएवीज आपको दिखाई जा रही है वो एनएवीज 99.9 नहीं 100% सही एनएवीज है, तो वो आप बिल्कुल बिल्कुल शक मत कीजिए। मैं आपको लिख कर दे सकता हूं कि वो एनएवीज सही है। अगला सवाल AKK का, इनका पूरा नाम नहीं पता मुझे। 3-4 साल पहले इन्होंने किसी भी वजह से सारी सेविंग्स, सारा निवेश इनका खत्म हो गया। अब वापस से पोर्टफोलियो शुरू किया है बिल्ड करना, तो थोड़े अग्रेसिवली प्ले कर रहे हैं ये कीर्तन। जानना चाहते हैं कि ये अप्रोच ठीक है कि नहीं है, और या तो या फिर इनको एक बैलेंस करने की ज़रूरत है। गोल है 12 साल में 1.3 करोड़ जोड़ना, और SIP की जो अमाउंट है इनकी पूरी वो करीब 26,500 की है। फंड के नाम मैं बता देती हूँ सभी को, ICICI प्रू कमोडिटीज, एक्सिस स्मॉल कैप, मिरे लार्ज एंड मिड कैप, इन्वेस्को इंडिया कॉन्ट्रा, पराग पारी फ्लेक्सी कैप, एक्सिस ELSS फंड और इडलवाइज बैलेंस एडवांटेज। आई थिंक मैं अभी कैलकुलेट ही कर रहा था एक-एक की, जब आप पढ़ रहे थे क्वेश्चन, तो आपको तकरीबन 42,000 रुपीज़ के SIP करनी पड़ेगी। तो आपकी जो SIP है उसको थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। अगर आप एक साथ 26,000 को 42,000 नहीं कर सकते तो स्टेप अप कीजिए, धीरे धीरे बढ़ाइए हर साल, तो आप जितना नज़दीक अपने गोल के पहुंच पाएंगे उतना पहुंच जाएंगे। कीर्तन, ऑलरेडी जो इनका निवेश था ना, इन्होंने ये नहीं लिखा कि कब से निवेश शुरू किया है, लेकिन कुछ पैसे इन्होंने ऑलरेडी एक्यूमुलेट कर लिया है, तो वो पूरा मिलाकर जो एक्यूमुलेशन है फिलहाल का वो 10 लाख के ऊपर का है। ओ वाह, हम ये सॉरी, मानकर चल रहे ओ हैं कि वाह, 10 लाख ऑलरेडी इनके पास जुड़े हुए हैं, और उसके ऊपर अब 26,500 ऑलमोस्ट उसकी SIP 12 साल तक चलेगी इनकी। 26,500, एक ही मिनट दीजिएगा प्लीज। जी, तो 10 लाख के ऐसा ही 10 लाख 10 लाख ऑलरेडी इन्वेस्ट करके एक्यूमुलेटेड है। हाँ 26,500 और कर रहे, 1 करोड़ 30 लाख चाहिए।
12%, 144 months। ओके, तो आई थिंक यू आर ऑलमोस्ट देयर। आपको 19,500 की SIP करनी है, आप ऑलरेडी 26,500 की SIP कर रहे हैं। दो तो 3,000 रुपये से आप अपनी SIP बढ़ा दीजिए, आपका लक्ष्य मेरे हिसाब से पूरा हो पूरा जाएगा। हो जाएगा मुझे फंड्स के। ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि क्योंकि किसी कारण आपके पैसे आपको निकालने पड़े आपके निवेश से, ये कोई रीजन नहीं है कि आप अग्रेसिव हो जाए इन्वेस्टमेंट को लेकर। इन्वेस्टमेंट आपको अपना रिस्क प्रोफाइल देखकर करना चाहिए, और बिल्कुल बिल्कुल उसमें इसलिए अग्रेसिव मत हो जाइए क्योंकि आपको जल्दी जल्दी पैसा इकट्ठा करना है। ये सेम कॉमन मिस्टेक है जो सिंपल भाषा में ट्रेडर्स भी करते हैं। तो ट्रेडर 2 दिन अगर लॉस करेंगे तो तीसरे दिन बड़ा बैठ लेते क्योंकि उनको आगे वाले 2 दिन का पैसा रिकवर करना है। पर इससे ये जरूरी नहीं है कि आप अच्छा कर पाएंगे, शायद आप इमोशनली और बायस हो जाएंगे और बुरा कर दे। तो अपने रिस्क प्रोफाइल को ध्यान में रखकर ही निवेश कीजिए। आपके फंड्स की अगर मैं बात करूं तो देखिए, ICICI प्रूफ कमोडिटी फंड में आप SIP क्यों करना चाहते हैं मुझे नहीं पता, पर ये एक थीमेटिक फंड है और इसमें आपको ये समझना पड़ेगा कि ये माइक्रो कैप इन्वेस्टिंग जैसा है। कमोडिटी साइकिल चला तो आप बहुत अच्छा करेंगे, नहीं चला तो नहीं अच्छा करेंगे। डिस्क्लेमर, हमें लगता है कि कमोडिटी साइकिल चलेगी, पर वो मैं प्रोफेशनल एडवाइस दे रहा हूँ, मुझे नहीं पता वो आपके रिस्क प्रोफाइल में सूट होएगा या नहीं। इस फंड में हालांकि हमारा व्यू कमोडिटीज पर पॉजिटिव है, मैं फिर भी आपको एग्जिट करने कहूंगा। एक्सिस स्मॉल कैप, मिराई लार्ज एंड मिड, इन्वेस्को कॉन्ट्रा, पराग पारेख, ये सब फंड्स अच्छे हैं। यील्ड वाइज बैलेंस भी अच्छा है, पर मुझे ऐसा लग रहा है अगर आपके पास 12 साल है तो आप बैलेंस फंड में क्यों पैसा निवेश करेंगे, उसको भी इक्विटी में मूव कर दीजिए। एक्सिस ELSS, अगर आपके पास 3 साल हो चुके हैं तो उसको आप प्रॉबली मिराई या PPFAS के ELSS में मूव कर दीजिए। तो आपके फंड्स ज्यादा बढ़ेंगे भी नहीं, उसी फंड हाउस में रहेंगे और आपका पोर्टफोलियो उस तरीके से अच्छा डाइवर्सिफाइड है। तो फंड में सिर्फ ICICI को मूव करने की सलाह होगी और एक्सिस ELSS को, और यील्डवाइज बैलेंस को भी आप इक्विटी फंड में मूव कर लीजिए इन्हीं फंड्स में से किसी। अच्छा, नया कुछ ऐड करने की जरूरत नहीं है। संदीप गोयल जी का सवाल है कि कुछ लोग फंड मैनेजर्स को फॉलो करते हैं इरिस्पेक्टिव ऑफ म्यूचुअल फंड हाउस। ये स्ट्रेटेजी कैसी है कि मैं तभी एग्जिट करूं किसी फंड से जब मेरा फंड मैनेजर बदल जाए या वो कहीं और चला जाए। स्टार फंड मैनेजर को फॉलो करना बेसिकली। संदीप जी, आई थिंक आपकी स्ट्रेटजी सही है पर बिहेवियरल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। अब मैं आपको समझाता हूँ कैसे। जी, HDFC का स्टार फंड मैनेजर प्रशांत प्रशांत जैन। जैन जी जितने सालों से HDFC में थे, और जो भी हमारे जैसे थोड़े से पुराने लोग हैं इंडस्ट्री में, वो हम लोग सब वी यूज टू लुक अप टू हिम और अदर वी स्टिल लुक अप टू हिम। पर अब प्रॉब्लम ये था कि उन्होंने PSUs वैल्यू स्टॉक्स है करके इतने सालों से पकड़ के रखा था कि HDFC के फंड्स 3 3 5 5 साल तक अंडर परफॉर्म कर रहे थे मार्केट को सिग्निफिकेंटली, क्योंकि उनका व्यू बहुत स्ट्रांग था कि PSU अंडर वैल्यूड है, पर PSU चल ही नहीं रहे थे। अब आप लग देखिए, उन्होंने जैसे ही HDFC छोड़ा उसके बाद से ही PSU में रैली आई है। आज उनके एलोकेशन किए हुए फंड्स टॉप ऑफ द चार्ट है, पर उनका क्रेडिट उनको नहीं मिल रहा है, नए फंड मैनेजर को मिल रहा है। तो अब अगर आपको ये स्टोरी नहीं पता तो आपको ऐसा लगेगा कि प्रशांत जैन बहुत बुरे फंड मैनेजर थे क्योंकि उनके समय में सब फंड्स अंडर परफॉर्म कर रहे थे, और अब जब नया फंड मैनेजर आया तो उस नए फंड मैनेजर ने देखे मार्केट को कैसे आउट परफॉर्म किया। बट वेरी ऑनेस्टली, वो प्रशांत जैन की मेहनत थी जो आज आपको HDFC फंड्स में दिख रही है, वो नए फंड मैनेजर्स की मेहनत नहीं है। तो एज अ रिटेलर आपको कैसे समझेगा, राइट? तो देखिए, मेरा माई फाइट ऑलवेज इज, जब भी ऐसे क्वेश्चंस मेरे पास आते हैं मैं डिस्कनेक्ट वहीं पर हो जाता हूँ कि आप बातें तो सही कर रहे पर आप ट्रैक कैसे करेंगे, आपको समझेगा कैसे, आपको पता कैसे चलेगा। तो ये मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा सा कैच 22 है कि आपको कैसे समझेगा
कि इस फंड मैनेजर को मुझे फॉलो करना चाहिए या नहीं करना और चाहिए। उनकी कोर स्ट्रेंथ क्या है आपको ये भी नहीं समझेगा, ये जो 100% इंडस्ट्री में है जो काम कर रहे होते हैं उनके साथ उनको समझ में आता है कि अब नीलेश सुराना कैसे काम करते हैं, या फिर बाकी जितने भी नाम आप ले लीजिए जो भी जो काफी लंबे लंबे अरसे से एक फंड हाउस के साथ जुड़े रहते हैं, उनकी कोर स्ट्रेंथ क्या है, वो किस चीज पर, वो कहीं लिखा हुआ भी नहीं आता और पढ़ने का शौक अभी भी है नहीं ज्यादा। मैं एक एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए कोटक में कोटक इमर्जिंग बहुत ही अच्छा फंड है, उसमें से पंकज तिबरेवाल जी निकल चुके हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है एज अ रिटेल इन्वेस्टर कि क्या आपको होल्ड करना चाहिए या बेच देना चाहिए। अब आप देखिए पिछले 6-8 महीने से कोटक इमर्जिंग बहुत ही अंडर परफॉर्म कर रहा है मार्केट को। अब सडनली आपको ये लगने लगेगा कि देखिए पंकज तिबरेवाल जी निकल गए तो फंड अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। करेक्ट। अब एज अ रिटेल इन्वेस्टर मैं अगर आपको ये क्वेश्चन पूछूं कि आपको क्या करना चाहिए तो आप कहेंगे एग्जिट कर दीजिए, क्योंकि आपको पंकज तिबरेवाल जी निकलने का और कोटक इमर्जिंग के अंडर परफॉर्म करने का ओवरलैप समझ ही नहीं रहा है, राइट। तो अब मैं इसका आंसर नहीं देना चाहता कि आपको क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेरा व्यू बायस हो सकता है, क्योंकि हम लोग इस फंड में इन्वेस्ट करने के लिए काफी टाइम से बुलिश है और हम इस फंड को रेकमेंड करते हैं। माय पॉइंट इज कि आपको नहीं समझेगा एज अ लेमैन कि अब आपको क्या करना चाहिए, तो प्लीज इसे प्रिडिक्ट करने की कोशिश मत कीजिए। अगर आप प्रोफेशनल नहीं है तो स्टिक अराउंड कीजिए, फंड हाउस इसका रास्ता ढूंढ लेगा। रमाकांत जी का सवाल है, इनके पास दो डेट फंड है, कोटक बैंकिंग एंड पीएसयू फंड और एचडीएफसी कॉरपोरेट बॉन्ड फंड, जिसपे उनको करीब 11.5% का रिटर्न मिल रहा है और अभी लिखा है कि आई एम हैप्पी विद द रिटर्न, जाहिर सी बात है। क्वेश्चन ये है कि विल इट बी अ कंसिस्टेंट रिटर्न फॉर द पीरियड फॉर विच आई विल होल्ड द फंड से कमिंग 3-4 ईयर्स, और देर इज अ चांस वे रिटर्न कैन बी रिड्यूस्ड ऑल्सो, अंडर वॉट सर्कमस्टांसेज द रिटर्न विल बी रिड्यूस्ड, माई होल्डिंग इज मोर देन 2 ईयर्स इन बोथ द फंड्स एंड आई थिंक आई विल बी गेटिंग एन इंडेक्सेशन बेनिफिट ऑल्सो इन दीज फंड सिंस माई होल्डिंग इज ओल्ड, काइंडली कन्फर्म दिस ऑल्सो, कंसिस्टेंटली 11.5% का रिटर्न। रमाकांत जी, आई वुड सिंसियरली सजेस्ट कि आप एक बार वापस देखिए कि आपका रिटर्न 11.5 है या नहीं। मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है कि आपका रिटर्न 11.5% नहीं होगा। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पिछले 2 साल में इंटरेस्ट रेट साइकिल नेगेटिव रही है, इंटरेस्ट रेट्स बढ़े हैं, तो इसका आपके फंड पर इम्पैक्ट थोड़ा सा नेगेटिव होना चाहिए। प्लस आज से 2 साल पहले 11.5% के YTMs थे ही नहीं। शायद आप ये XIRR ना देखकर आप एब्सोल्यूट रिटर्न्स देख रहे हैं, जो सही तरीका नहीं है इन फंड्स को देखने का। मुझे ऐसा लग रहा है आपके फंड्स में 11.5% का रिटर्न नहीं होगा IRR या XIRR लेवल पर। हैविंग सेड दिस, दो चीजों का प्लीज ध्यान रखें। आपको क्योंकि इंडेक्सेशन एडवांटेज मिलने वाला है तो इन फंड्स को इमिजिएटली बेचने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि अब मुझे ऐसा लग रहा है कि इंटरेस्ट रेट साइकिल रिवर्स होगी और आपकी क्योंकि 2 साल की होल्डिंग कैपेसिटी है तो आपको 2 साल में कैपिटल गेन्स मिलेंगे प्लस इंडेक्सेशन एडवांटेज मिलेगा, तो इन फंड्स में आप अच्छा रिटर्न निकाल पाएंगे वर्सेस वर्सेस NFD। पर हाँ, अगर आप एक अग्रेसिव इन्वेस्टर हैं, हालांकि ये मेरी सलाह नहीं है पर मैं आपको सिर्फ एजुकेट करने के लिए बोल रहा हूँ, अगर आप एक अग्रेसिव इन्वेस्टर हैं तो इन फंड से बेहतर होगा कि आप लॉन्ग ड्यूरेशन फंड्स में जाए, क्योंकि आप वहां पर ज्यादा रिटर्न्स कमा पाएंगे। पर क्योंकि मुझे एग्जैक्टली नहीं पता आपके फंड का IRR क्या है और मुझे लग रहा है कि आपने जो कहा है वो शायद गलत है, आपको ये सलाह नहीं दे पा रहा हूँ कि यहाँ से निकलकर आप लॉन्ग ड्यूरेशन में चले जाइए या नहीं, क्योंकि आप लॉन्ग ड्यूरेशन में जाएंगे तो टैक्स का इम्पैक्ट डेफिनेटली आएगा और नेट ऑफ टैक्स क्या वो बेटर होगा या ये बेटर होगा मैं नहीं समझ पा रहा हूँ आज। तो आप कंटिन्यू कीजिए होल्ड करना, क्योंकि मेरे हिसाब से शायद आपने 11.5 को जो नंबर बोला है वो एब्सोल्यूट है और IRR नहीं है। ओके ऑल राइट। मुदित बत्रा जी का सवाल है कि 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट करना चाहता हूँ डेली SIP में और मैं रिस्क भी लेना चाहता हूँ, मुझे ये बताया कि बाकी फर्क पड़ता है डेली वीकली क्वार्टरली या मंथली SIP का रिटर्न पे। आई थिंक मैम बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी बहुत सारा इस पे काम किया हुआ है, जिससे आउटपुट यही है कि कोई फर्क नहीं पड़ता, कीजिए वीकली कीजिए मंथली कीजिए क्वार्टरली कीजिए सेमी एनुअली कीजिए, ओवर 10 इयर्स रिटर्न में
दो पांच 10 पैसे से ज्यादा को फर्क नहीं पड़ता, राइट? तो आपको जो कंफर्टेबल लगे वैसे कीजिए। आपका कैश फ्लो इंपैक्ट नहीं आना चाहिए, क्योंकि आपको शायद ऐसा लग रहा है कि डेली करूंगा तो अच्छे से एवरेज होगा वर्सेस मंथली, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको डिसाइड करना है फ्रीक्वेंसी आपके कैश फ्लो को ध्यान में रखकर, राइट? अब क्या क्या इन्हें फंड्स की रिकमेंडेशन हाँ चाहिए जी, मैम? हाँ जी, हाँ जी, ओके, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने फंड्स को 4-5 इन फंड्स में डिवाइड कीजिए। तो लार्ज कैप में मुझे ऐसा लग रहा है कि आप निपॉन का लार्ज कैप ले लीजिए। मेरे हिसाब से एक ऐसा फंड है प्रॉबली पूरी इंडस्ट्री में जो इंडेक्स हगिंग स्ट्रेटजी यूज नहीं करता, बाकी सब इंडेक्स इंडेक्स हगर्स है। तो अगर ये लीजिए या किसी एक इंडेक्स फंड में पैसा डाल दीजिए। मिड कैप स्पेस में आप क्वांट मिड ले सकते हैं, मुझे ये फंड अच्छा लगता है। आप स्मॉल कैप स्पेस में एक्सिस का स्मॉल कैप ले लीजिए, निपॉन का स्मॉल कैप ले लीजिए, एसबीआई का स्मॉल कैप ले लीजिए, ये तीनों अच्छे मेरे हिसाब से। थोड़ा सा अगर आप ग्लोबल एक्सपोजर भी लेना चाहते हैं तो लार्जली मेरी चॉइस पीपीएफएस होती है। आप पीपीएफएस के साथ एसबीआई का कॉन्ट्रा फंड भी ऐड कर सकते हैं, दोनों में से कुछ भी जो भी आपको सही लगे आप वो चूज कीजिए। ये 4 फंड्स में 5 फंड्स में आप अपना पैसा इक्वली डिवाइड कर लीजिए। पर ध्यान रखिएगा कि ये कॉम्पोजिशन के लिए आपको तकरीबन 7-8 साल का इन्वेस्टमेंट होराइजन तो मिनिमम चाहिए। कपिल शर्मा जी का सवाल है कि 20 साल के लिए स्मॉल या मिड कैप में इन्वेस्टमेंट करना सही रहेगा या गुरुग्राम में प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना सही रहेगा? आई वॉन्ट टू नो किसमें ज्यादा रिटर्न मिल सकता है अगले 20 साल में अगर मैं आज शुरू करता हूं तो, इक्विटी और रियल एस्टेट, वो भी पर्टिकुलर गुरुग्राम में। कपिल जी, आपका क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब मैं रियल एस्टेट एक्सपर्ट नहीं हूँ, मुझे नहीं पता आपको आपको गुरुग्राम में कहाँ पर किस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना है, तो ये सही कंपैरिजन नहीं होगा मेरे एंड पे आपको आंसर दे पाना। पर मैं आपको ये डेफिनेटली कह सकता हूँ कि अगर आपके पास 20 साल का होल्डिंग पीरियड है और अगर आप पूरा पैसा स्मॉल कैप मिड कैप में डाल रहे हो और आपकी रिस्क एपेटाइट है कि कल उठकर मार्केट में 50% की गिरावट आए तो आप उसे होल्ड, सिर्फ होल्ड ना करें पर ज्यादा पैसा भी डाल पाए उस समय पे, तो स्मॉल कैप मिड कैप आपको डेफिनेटली बेहतर रिटर्न दे सकते हैं। फायदा ये है बस, एक जिसे कहते हैं ना, ये कहते हैं कि 20 साल तक निवेश करेंगे या निवेशित रहेंगे, और सेबी का भी की एक रिपोर्ट इस पे आई हुई थी जहां पर उन्होंने लिखा हुआ था कि मैक्सिमम इन्वेस्टर 2 से 3 साल में या 3 से 5 साल के पहले ही निकल जाते हैं, रिडीम कर लेते हैं। सो हमें लगता है कि हम 20 साल होल्ड करेंगे या हम 20 साल तक निवेश करेंगे, वो डेटा उस चीज को सपोर्ट करता है नहीं। अगर रियल एस्टेट में करेंगे तो उसको बेचना इतना मुश्किल काम हो जाता है कि वहां पे आप करता क्या ना करता वाले हाल में आप टिके रह जाएंगे। तो आई थिंक अपने आप को एक निवेशक के तौर पर समझना बहुत जरूरी है कि आप वाकई होल्ड कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, उसके बेसिस पे भी तय कीजिए। लेकिन जैसा कीर्तन ने कहा कि पोटेंशियल अधिक जो है स्मॉल कैप में है पैसा बना के आपको देने की। बहुत बहुत शुक्रिया कीर्तन, वक्त निकाल के सभी सवालों के जवाब देने के लिए। और इसी के साथ आज बी वेल्दी हेल्पलाइन में फिलहाल इतना ही। जो भी सवाल आपके मन में और आ रहे हैं वो नीचे कमेंट करेंगे आप। याद रखिए ये रिकॉर्डेड वीडियो है, ये लाइव सेशन नहीं है। और इसके अलावा क्या आप हैं मेरे यानी स्वाति के साथ, और हम सब हैं बहुत ही सावधानी और समझदारी के साथ अमीर बनने के सफर पर। आप सभी को बहुत सारा प्यार और दुलार। स्टे ब्लेस्ड, हेल्दी एंड बी वेल्दी।